नमस्कार आदाब, मैं हूं प्रवीण और आप सभी का स्वागत है न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप शो में। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर आज भारत बंद। चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। 1 अप्रैल से जारी होना है बॉन्ड। डीजीपब ने कंटेंट रिव्यू के लिए स्वतंत्र कमेटी का गठन किया। रोहिंग्या शरणार्थियों को म्यांमार भेजने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रोका। कोरोना अपडेट, देश में 24 घंटों में 59,118 नए मामले, एक्टिव मामले 4 लाख के पार। दिल्ली में 26 नवंबर को शुरू हुए किसान आंदोलन को आज 26 मार्च को 4 महीने पूरे हो गए हैं। मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान 4 महीने से दिल्ली के सिंघू, टिकरी, शाहजहांपुर और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन को 4 महीने पूरे होने पर किसानों ने आज पूरा भारत बंद किया है। किसान संगठनों ने कहा है कि यह आज़ाद भारत का सबसे बड़ा भारत बंद है। शुक्रवार को किसानों ने पंजाब हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्गों को रोकते हुए वहां प्रदर्शन किया। 4 महीने के इस आंदोलन में किसानों ने कड़कती ठंड, बारिश से लेकर अब गर्मी में प्रदर्शन किया है और इसमें करीब 300 किसानों की जान जा चुकी है। मोदी सरकार ने किसानों से करीब 10 दौरे की बातचीत की है लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। गौरतलब है कि 1 महीने से ज़्यादा समय से किसानों और सरकार के बीच कोई बातचीत भी नहीं हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा और उसके नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे 42 किसान संगठनों का कहना है कि वह तभी पीछे हटेंगे जब कानून वापस लिए जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा। आज 26 तारीख को किसान आंदोलन के 4 महीने होने व मोदी सरकार की हठधर्मिता और तानाशाही के खिलाफ पूर्ण तौर पर भारत बंद का जो आह्वान किया गया था उसे कामयाब करते हुए पूरा बाजार और चक्का जाम किया गया है। ये जो आज का बंद है, इस बंद का असर मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से है। अगर आप नॉर्दर्न मध्य प्रदेश को देखेंगे जिसमें ग्वालियर है, भिंड है, मुरैना है, गुना है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में लगभग कंप्लीट जो है कि बंद है। बंद को बड़ा जो है कि समर्थन मिला है, जगह जगह जत्थे निकले और आम जनता ने भी जो है इस आंदोलन को समर्थन किया। देश के लोकतंत्र को बचाने का आह्वान है, इस देश की धर्मनिरपेक्षता को बचाने का आंदोलन है, देश के आवाम को बचाने का आंदोलन है। क्योंकि मोदी सरकार जिस तरीके के कानून ला रही है उससे आने वाले समय में ना मजदूर बचेगा, ना किसान बचेगा, ना आम आवाम बचेगा। इसलिए ये लड़ाई आज पूरे देश के आवाम की है और हम यही गुजारिश करते हैं आज के इस बंद के दौरान कि आम जनता इस बंद के समर्थन में भरपूर सहयोग करे ताकि इस देश के लोकतंत्र को बचाया जा सके, इस देश की धर्मनिरपेक्षता को बचाया जा सके और आने वाला जो भविष्य है नौजवानों का, उन नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। इन सारे मुद्दों को लेकर आज ये बंद है। हम CITU की ओर से भी इस बंद का पूरा समर्थन करते हैं। भारत बंद के तहत केवल यही संदेश किसान देना चाहते हैं कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, ये काले कानून रद्द नहीं होंगे, किसान पीछे हटने वाले नहीं है। चाहे ये 1 दिन का बंद हो, चाहे 10 दिन का बंद हो जाए, किसान इस लड़ाई को लड़ेगा और जीत के रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव से पहले नए चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अब इस पर रोक नहीं रहेगी। इससे पहले बीते बुधवार को शीर्ष कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और फैसला को सुरक्षित रख लिया गया था। ADR की ओर से दाखिल याचिका पर बुधवार को वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा था कि इलेक्ट्रॉलर बॉन्ड सत्ताधारी दल को चंदे के नाम पर रिश्वत देकर अपना काम कराने का जरिया बन गया है। वहीं सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि वह चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों में फंडिंग की मौजूदा प्रणाली का समर्थन करता है लेकिन इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना चाहेगा। डिजिटल न्यूज वेबसाइट के संगठन डीजीपब ने
कंटेंट को रिव्यू करने के लिए एक नई स्वतंत्र कमेटी का गठन किया है। डीजी पब में न्यूज़ क्लिक भी शामिल है। इस कमेटी का गठन प्रोफेशनल मीडिया एथिक्स के प्रति प्रतिबद्धता के तहत किया गया है। डीजी पब द्वारा जारी एक प्रेस बयान में कहा गया कि स्वतंत्र समिति में कानून और अधिकार, लिंग और लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक अमूल्य रिकॉर्ड और उपलब्धियां वाले व्यक्ति शामिल हैं। समिति के सदस्य में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर, प्रज्ञा ट्रस्ट के संस्थापक और निदेशक के स्वर्ण राजगोपालन, सफाई कर्मचारी आंदोलन के संस्थापक विजयवाड़ा विल्सन और प्रसार भारती के पूर्व सीईओ और सांस्कृतिक मंत्रालय के पूर्व सचिव जौहर सरकार भी शामिल हैं। प्रेस बयान के अनुसार समिति अपने सदस्य प्रकाशनों की ओर से पारदर्शिता की एक अतिरिक्त वॉलंटरी लेयर का प्रतिनिधित्व करती है। जम्मू कश्मीर में 150 रोहिंग्या शरणार्थियों को रिहा किए जाने और उनकी सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज यानी शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रखा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन का कहना है कि इन्हें म्यांमार भेजा जाएगा। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता में मामले की सुनवाई हुई। पिछले हफ्ते कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से याचिका पर जवाब मांगा था। रोहिंग्या शरणार्थी मोहम्मद सलीमुल्ला ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण के जरिए से हस्तक्षेप याचिका दायर की है। इसमें अनौपचारिक शिविरों में रोहिंग्याओं का विदेश क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के जरिए शरणार्थी पहचान पत्र देने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश देने की अपील की गई है। प्रशांत भूषण ने कहा है कि म्यांमार में तख्तापलट के बाद सैन्य शासन लगने की वजह से रोहिंग्या मुसलमानों की म्यांमार में खतरा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज शुक्रवार यानी 26 मार्च को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 59,118 नए मामले सामने आए हैं। 257 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में आज फिर से रिकॉर्ड 35,952 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 111 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 32,987 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 25,874 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,18,46,652 हो गई है, जिनमें से संक्रमण के कारण अब तक 1,60,949 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 1,12,64,637 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 4,21,066 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 5,55,04,440 डोज दी जा चुकी है, जिनमें से 23,58,731 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज़ क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी ज़रूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया। Thank you.